नमस्कार साथियों, एक्टिव किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राहुल कुमार, रीपर बाइंडर मैकेनिक। साथियों, आज हम लोग अपने बोरिंग में मोटर को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि हम लोग मोटर को इंस्टॉल कैसे करते हैं। हम इस बोरिंग से अभी 2 HP की मोटर पंप चलाएंगे। तो यह हमारा बोरिंग है, इसमें हम लोग सबसे पहले हल्का पतला सा कपड़ा लपेट देते हैं ताकि यहाँ से थोड़ा भी लीकेज नहीं हो, हमारी मशीन में एयर नहीं बने। उसके बाद हम लोग 2 या 2.5 फीट का सेक्शन लेते हैं। बहुत जगह होता क्या है कि पूरी लंबी सेक्शन ली जाती है, जितना नीचे पानी रहता है, लेकिन हम लोग मात्र 2.5 से 3 फीट सेक्शन से ही काम चलाते हैं। हमारे यहाँ का जो लेयर है मिट्टी के नीचे, पानी 20 से 25 फीट नीचे ही रहता है। हम लोग इसको लगाने के बाद इसे हथौड़ी से ऊपर से हल्का ठोक देंगे ताकि यह टाइट हो जाए। अब देखिए, सुबह का समय है, ठंड का कुछ ज़्यादा है, इसलिए हम आ गए हैं मोटर लेकर अपने खेत में। तो देखिए हम लोग मोटर को इंस्टॉल कैसे करते हैं। हम लोग ने पहले ही सेक्शन को सेट कर लिया था। इस सेक्शन में हम लोग मोटर के पंप को डाल देते हैं। डालने के बाद इधर मोटर आगे की ओर झुके नहीं, इसके लिए हम लोगों ने इधर से एक लकड़ी का सहारा लगा देते हैं, जिससे कि यह मोटर आगे की ओर नहीं झुकेगा। ये देखिए हमारा यह जुगाड़ लग गया है। अब कैसा भी कितना भी पानी देगा, यह आगे की ओर नहीं झुकेगा। अब हम लोग जहाँ से सेक्शन और मोटर का जो जॉइंट है वहाँ पर हम लोग हल्का मिट्टी लगाकर और ट्यूब से कसकर बांध देंगे ताकि हमारी जो मशीन है यहाँ से हवा या एयर नहीं ले, जिसके कारण पानी कम मात्रा में नहीं देगा, पूरी क्षमता के साथ ये मोटर पानी देगी। देखिए उसके बाद हम इस तार को खोल कर बिजली का जो मीटर लगा हुआ है वहाँ हम लोग इस तार को लगा देंगे। ये देखिए हम लोग तार को खोल रहे हैं। इस तरह से आप लोग भी अपने खेतों में मोटर इंस्टॉल कर सकते हैं। तार लगाने के बाद हम लोग पाइप के माध्यम से इस पूरे बोरिंग में पानी भर दिए हैं, जिसमें कि लगभग 20 लीटर या 15 लीटर तक पानी लगता है। पानी भरने के बाद हम लोग इसमें हल्का मिट्टी लगाकर और फिर यहाँ भी ट्यूब से बांध देंगे। ट्यूब से बांधने का कारण यह होता है कि जैसे अगर बिजली ट्यूब से बांधने के बाद जो ट्यूब है बहुत मजबूती से पकड़ के रखती है। अब हम लोग देखिए हमारा मोटर चालू हो चुका है। हम लोग आप लोगों को डिलीवरी पाइप खोल के दिखा रहे हैं कि यह मोटर कितना अच्छा पानी दे रहा है। तो इस तरह से आज मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाया कि 2 HP मोटर को अपने बोरिंग में कैसे इंस्टॉल करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमारी आलू गोभी की फसल है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये देखिए हमने अपने मोटर को बंद कर दिया है। इस तरह से हम लोग अपने मोटर को अपने खेतों में चलाते हैं। ये देखिए हम लोग फिर इसमें बिजली कनेक्शन दे दिए हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा पानी दे रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कीजिए। जहाँ से हमारे साथी 30 फीट 25 फीट तक की लंबी सेक्शन का उपयोग करते हैं, जिन्हें ले जाने में भी परेशानी होती है, वहाँ मात्र 2.5 से 3 फीट सेक्शन से काम हो जाता है।